मेरे प्यारे भाई सुखविंदर बाजवा के बुलावे पर यहाँ पर पहुंचे। ऐसा अभूतपूर्व दृश्य, जबरदस्त ऐसा दृश्य आज आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को ऋणी कर दिया कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आज इस जन आशीर्वाद यात्रा को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। सुरक्षा गाड़ी आगे बढ़ी है, पायलट आगे चलिए, आप पायलट आगे चलिए। ये ढोल बजाते हुए इतने बड़े जोश के साथ नाचते गाते मेरे युवा साथी, अभूतपूर्व दृश्य, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अपने प्रिय नेता की टी शर्ट डाले हुए मोदी जी, मनोहर लाल जी, भाई सुखविंदर की चित्र लगे टी शर्ट डाले हुए इतनी बड़ी संख्या में जबरदस्त अभूतपूर्व जबरदस्त बहुत जबरदस्त। बाबूजी सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों, 18 तारीख से लेकर लगातार और मैं भी पिछले दो दिन से जब से महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार से आप इतनी भारी भीड़ में इकट्ठे होकर स्वागत किया है, आप यकीन मानिए खेत हो खलियान हो, आज तक हमने इस प्रकार का दृश्य जिंदगी में कभी नहीं देखा। चाहे वो सड़क से निकलते हैं, शहर से, गांव से, यह आपका हौसला बताता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 साल तक जिस प्रकार से ईमानदारी से काम किया है, आने वाले 5 साल में हमारा जो इलाका, मैं मान के चलता हूं अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र को भी पार कर जाएगा। इसलिए मैं आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। हरियाणा, दक्षिण हरियाणा का मेवा का है फसल बाजरे का उचित मूल्य पर किसान का एक एक दाना खरीदा गया। इसके लिए सभी किसान भाइयों की तरफ से, इस बाड़ा की सरदारी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बाजरे का यह स्वीकृत देते हुए हम सब की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। भारत माता की, रामबिलास जी।
बागड़ा के भाइयों अपने इतिहास बनाया करते हैं। अरे जुल्म हो गया, बाजरो 2150 रुपया बिके और गेहूं 1800 रुपये। ये कमाल है मनोहर लाल जी का, बाजरो 2100 और गेहूं 1800। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी आज बागड़ा की सरदारी के बीच में है और ये लाडला सबसे छोटी उम्र का एमएलए सुखविंदर हमारे बीच में है। अपना लोकसभा का सांसद चौधरी धर्मवीर और देश का नाम करने वाले ये बलारी की बबीता फोगाट हमारा मेडल लेने वाली बेटी हमारे बीच में है। मैं तो भाइयों थरे पड़ोस का आदमी हूं, एक के बात है। अरे 5 साल जितना मारे खेत में पानी देने वाला मुख्यमंत्री मनोहर लाल, टाबरे ने रोजगार देने वाला मुख्यमंत्री मनोहर लाल, खर्चा नहीं पर्चा नहीं। अरे 5 साल एक बार यो आशीर्वाद और दे दो, ठीक है। अरे बागड़ा बरसा पीसा बरसा दो, मनोहर लाल जी आगे बढ़ो, मनोहर लाल जी आगे बढ़ो, मनोहर लाल जी आगे बढ़ो। अरे कादमा है कि नहीं, बढ़राई है कि नहीं, ये 5 कारी 6 बड़दू है कि नहीं, यहाँ पर बेरला और अटेला है कि नहीं, यहाँ पर फिर दाओ हिम्मत करके बोलो माननीय मनोहर लाल जी, हम बागड़ा के लोग, हम ये अहिरवाल के लोग आपको 5 साल के लिए ईसा काला बर्द के जो हमारे खेत में कमाने वाला मुख्यमंत्री 5 साल के लिए झोली भर दो। मनोहर लाल जी आगे बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज बागड़ा के इस ऐतिहासिक स्थान पर, ये वो इलाका है जहां भाइयों बहनों 1990-91 बाढ़ में रेत के टीले जब सड़क के ऊपर हवा के कूद कूद के आ कर दे, रेत में से मोटरसाइकिल चला चला के कदे बाड़ा से काकड़ोली और काकड़ोली से जुई और फिर लोहारू और फिर कित कित मारो सतनाली तक के सारे चक्कर हमने काटे। वो इलाका आज सोने का इलाका बड़ा बड़ा भाइयों मेरे बहनों, इस इलाके को इस भूमि में प्रणाम करता हूं। ये भूमि है राजा मेहताब सिंह जी की, ये भूमि है महाशय मनसाराम जी की। इस भूमि में किस प्रकार के ऐसे ऐसे नेतृत्व जिन्होंने इस इलाके को नाम दिया हमें याद है। हमारे हरियाणा की पंजाब की जो ज्वाइंट असेंबली होती थी उसमें हमारे चौधरी अत्तर सिंह जी मांडी वो भी विधायक हुआ करते उस समय, और उस परिवार का जो आगे जिस प्रकार के उस परिवार के सानिध्य का हमको लाभ मिला है, उसी में हमारे सुखविंदर मांडी हमारे नौजवान विधायक हमारे इस हरियाणा सरकार में हमारे साथी मंत्री माननीय रामबिलास जी शर्मा, और हमारे इस समय अभी 2-3 महीने पहले आपने जिनको सांसद चुना भारी मतों से, ऐसे हमारे चौधरी धर्मवीर सिंह जी, ये सब के सब हमारे साथ जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए।
आज हमारे साथ हमारी बेटी बहन बबीता फोगाट भी शामिल हो गई, जिन्होंने हरियाणा का नाम देश और दुनिया में ऊंचा किया। हम लोग अपनी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के भाइयों बहनों आपके पास आए हैं। हम 2014 से 2019 हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद दिया, जिसके बाद 5 साल तक हमने हरियाणा की अपना परिवार मानकर, हरियाणा की जनता ये मेरा परिवार है, ये कोई जनता नहीं है मेरे लिए, भाइयों बहनों इस परिवार की सेवा दिन रात एक करके हमने की, पीछे मुड़ के नहीं देखा। जिस भी परिवार की, जिस भी वर्ग की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को सबको हल किया। विकास के काम भी हमने प्राप्त किए। जब मैं शुरू शुरू में यहाँ आया तो मुझे बताया गया कि बाड़ा में सब डिवीजन नहीं है, हमने आते ही इसको सब डिवीजन बनाया, SDM बनना शुरू किया। यहाँ पर सड़कों का जाल बिछाया हमने, गांव-गांव की मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हो चाहे PWD की सड़कें हो, जिस सड़क पर हम खड़े हैं ये लोहारू से लेकर के और दादरी होते, झज्जर होते, खरखोदा होकर के आगे उत्तर प्रदेश तक नेशनल हाईवे, इस प्रकार का नेशनल हाईवे यहां से निकला, ये भी आपके लिए एक वरदान है। जितनी सड़कें ज्यादा निकलेंगी उतना उस इलाके का लाभ ज्यादा होगा। भाइयों बहनों यहां पर हमको बताया गया पढ़ाई के लिए कॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमने सुखेंद्र को कहा कि भाई ठीक है जाओ, तुम्हारा कॉलेज मंजूर किया और कॉलेज यहां बन रहा है। इस इलाके की पानी की समस्या मैं भली, अरे सुन जाओ मेरी सुन लो, आपकी बात में सुनेंगे। भाइयों बहनों इस इलाके की पानी की समस्या से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। हमने यहाँ नहरी पानी यानी कैनाल का वाटर आपके जितने पंप हाउस थे सबके सब ठीक करा करके पानी के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए लगा के यहाँ पानी पहुंचाया। लोहारू की तो दूर टेल तक भी तीस साल हो गए थे जिस टेल पर पानी पहुंचा नहीं था, आज भी वहां नहरें हम देख के आए हैं। पीछे आपकी ये पास की नहर भी मुझे देखी तो नहीं मैंने, लेकिन शायद इसमें भी पानी आया होगा, इसमें भी पानी चल रहा है। तो भाइयों बहनों ये जो पानी पिछले 3 साल से हम दे रहे हैं, वादा करते कि लगातार जो पानी आ रहा है इस पानी को और बढ़ाया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। अभी तो गांव तक हमने पानी पहुंचाया है, अगले 5 साल में हम आपसे वादा करते हैं जैसे गैस कनेक्शन हर रसोई तक पहुंचा दिया, ऐसे पानी का नल हर रसोई में पहुंचाएंगे, रसोई के अंदर पानी आपको पीने का मिलेगा। इसलिए भाइयों बहनों काम गिनाने के लिए तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन आज ये अवसर, हमारी इतनी बड़ी संख्या, हमारी बहनें माताएं इतनी बड़ी संख्या में पीछे तक बैठी हैं, मैं आज इनसे अपने लिए आशीर्वाद लेने आया हूं कि आज जैसे हमने 5 साल तक आपकी सेवा की है, विकास के काम किए हैं, आपको यदि लगता हो कि पिछली सरकारों के तुलना में अच्छा किया है, भ्रष्टाचार के बिना इस सरकार को चलाया है, क्योंकि लोगों के हाथ जो है आपकी जेब में होते थे, जेब में इनकी जेब में से कुछ निकाल लें तब काम करें, आपके अफसरों के चक्कर कटवाते थे, हमने सारे अफसरों के चक्कर बंद करा दिए। कोई समस्या आप भेजो ऑनलाइन भेज दो, इंटरनेट पर भेज दो, टेलीफोन पर बता दो, वो समस्याएं आपकी हल होती हैं। चाहे कोई छोटा सर्टिफिकेट लेना हो, चाहे कोई लाइसेंस लेना हो, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवाना हो, कोई एप्लीकेशन देनी हो, कोई कंप्लेंट करनी हो, अब आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सीधे आपके घर बैठे आप सारी सुविधाएं ले सकते हैं। भाइयों बहनों हम आपसे आगे के लिए वादा करते हैं, हमारी बहनें माताएं जिनको मैंने बताया गैस कनेक्शन घर में पहुंचाए, घर घर में शौचालय बनवा दिया हमने, यानी कोई घर अब ऐसा नहीं है जिसके घर में शौचालय ना हो। कोई जमाना था नौजवान पुरुष तो लोटा लेके बाहर चले जाते थे, झाड़ किनारे कहीं बैठ आते थे,
लेकिन हमारी बहनों की बेटों की बेटियों की जो स्थिति होती थी कितनी खराब होती थी। हमने इनके लिए जो शौचालय है उसको हमने इज्जत घर कहा है। इज्जत घर मतलब ये घर के अंदर ही शौचालय होगा तो हमारी बहन बेटियों को बहुत सुविधा होगी उसमें। ये काम हमने किए। आगे चल करके हम और सुविधाएं गरीब परिवारों के लिए, उनका भविष्य सुखी हो तो 6,000 रुपए की योजनाएं साल की ये हमने देने शुरू कर दी हैं। चाहे उसके अंदर बीमा हो, बीमे के नाते उसकी किस्त देनी पड़ेगी हम देंगे। चाहे उसके अंदर पेंशन हो, 60 साल की उम्र के बाद हर गरीब परिवार के व्यक्ति को 3,000 रुपए पेंशन का प्रावधान भी ये कर दिया है, उसका प्रीमियम भी सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के अंतर्गत फसलों के लिए, जैसा बताया ये इलाका बाजरे की फसल का, ये इलाका सरसों की फसल का, ये इलाका कपास की फसल का, आप लोग जो बिजाई करेंगे आपके इस इलाके की फसल को सरकार एक एक दाना खरीदेगी, रुकने नहीं देगी भाइयों बहनों, क्योंकि इलाका तो इसलिए इस इलाके को सोने का इलाका, इस इलाके को और आगे प्रगति हम करना चाहते हैं। केवल 5 साल जैसे हमने काम किया, अगर हमने अच्छा काम किया हो तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगले 5 साल के लिए भी आप हमको आशीर्वाद देंगे 5 साल का देंगे आशीर्वाद। हमारी बहनें माताएं आशीर्वाद देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऊपर बैठे, नीचे बैठे, सब दूर दराज पीछे खड़े सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। यात्रा आगे बढ़ाए, धन्यवाद। चंद्रपाल जी कहाँ हैं? आ जाओ ऊपर, आ जाओ चंद्रपाल जी, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, खड़े रह जाओगे नहीं तो
भारत माता की, भारत माता की, यही रोक लो, रथ रथ रोक ले, रथ रोक ले, सब लोगों को आगे आने दे, ये पुलिस वाले छोड़ दे सबको, सब आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ, सामने आ जाओ, बहने माताएं आगे आ जाएं, चंद्रपाल जी ऊपर आ जाओ, चंद्रपाल जी को ऊपर आने दो, पीछे से ऊपर आ जाओ, सब आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ, बोल दो एक मिनट, चंद्रपाल जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहने माताएं आगे आ जाए, सब आगे आ जाए, प्रदेश का केवल और केवल मनोहर लाल जी की वजह से आज हम सुबह जब नारमोल से चले तो इसी प्रकार हजारों की संख्या में जो एक छोटा गांव था या शहर था या गांव था या खेत खलिहान था, छोटा बड़ा सभी अपना काम छोड़ के माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत करने के लिए आपकी हेलो हेलो भारत माता की, भारत माता की। आज बाड़ा निवासियों इतनी बड़ी संख्या में आप हमारे मास्टर चंद्रपाल जी के बुलावे पर आपने आकर के यात्रा का इतना बड़ा स्वागत किया, मैं अपने सभी भाइयों बहनों का, भैया बोर्ड नीचे कर लो, दिख गया मुझे, सबके फोटो दिख गए, इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें माताएं हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, आपने इस यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया, आशीर्वाद दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से पिछले 5 साल 2014 से अब 2019 तक पहली बार जैसे भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से आप लोगों के आशीर्वाद से हमने सरकार ये चलाई, भरपूर सेवा हमने अपने समाज की है, ये मेरा परिवार है, मेरा पूरे हरियाणा का 2.5 करोड़ का परिवार, जैसे परिवार की सेवा की जाती है वैसी सेवा हमने आपकी की है। विकास के कामों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे सड़कें हो, चाहे पानी की बात हो, यहाँ के कॉलेज की बात हो, यहाँ सब डिवीजन ऑफिस की बात हो, जो काम आए वो हमने पूरे किए, और पूरे देश में एक ही लहर है। जब से हमारी यात्रा चली है गांव गांव शहर शहर में इतना जो इसका स्वागत हो रहा है, इस स्वागत के कारण से जो विपक्षी दल हैं, खास करके जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके होश होवास उड़ गए हैं कि हमारे साथ पता नहीं क्या बनेगा। और बहुत ऐसे लोग हैं जो उन पार्टियों में ठीक ठीक लोग भी ध्यान में आते हैं, वो हमें आके कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा लो। हम लोगों ने ऐसे सब लोगों के लिए रास्ते खोल दिए हैं कि आप आइए, सुनो भाई सुनो, हमने सबके लिए रास्ते खोले हैं कि आप आइए, लेकिन समाज की सेवा करने के लिए आइए, सत्ता का मजा लूटने के लिए ना आइए। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ तो केवल सेवा है। इसलिए सब लोगों का स्वागत। हम अब तो अंत में इतनी ही बात आपसे करनी है कि जिस तरीके से आप लोगों ने
पांच साल के लिए हमको आशीर्वाद दिया था, हमने पूरे काम किए। अगर आपको हमारे पांच साल का काम पसंद आया हो तो अगले पांच साल के लिए भी हम आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं। दोगे दोगे ये आशीर्वाद पांच साल के लिए दोगे? बस आप अगले महीने होने वाले चुनाव में आशीर्वाद हमें दें। विश्वास दिलाता हूं कि इससे ज्यादा तेज गति से और डबल काम करेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्या चलाइए आगे। हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चौक पर खड़े बड़ी भारी संख्या में भाइयों बहनों, क्या महताब सिंह जी, राजा महताब सिंह जी, माशा मनसा देव जी की प्रतिमा पर अभी हमारे सुखविंदर जी, सुखविंदर जल्दी जाओ, और जिला प्रधान दोनों माला चढ़ा गए, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। रामकिशन जी और सुखविंदर जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से आज इस बाड़ा के अंदर ये चौथा प्रोग्राम है और जिस प्रकार से आप हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री जिन्होंने पांच साल तक बड़ी ईमानदारी से भ्रष्टाचार को, रुको रुको रुको, सुखविंदर जी, सुखविंदर जी पहले ध्वज ला रहा हूं हमारे नाम से, पहले ध्वज ला रहा हूं, पहले ध्वज ला लेंगे सुखविंदर जी।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब सुखविंदर जी, राजकिशन जी और सरपंच साहब चारों जाके महाशय मनसाराम जी और राजा मेहताब सिंह जी को अपनी माला का अर्पण कर रहे हैं। राजा मेहताब सिंह जी और महाशय मनसाराम जी के चरणों में हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चढ़ा दो इसको भी, वहीं चढ़ा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे भैया, चलो चलो आगे बढ़ाइए, रथ को आगे बढ़ाइए, रथ को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर छत पर भी खड़े हुए हमारे इतने सारे, हमारे बहुत ही सहानुभूति रखने वाले महानुभाव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गीत बहुत बहुत का हर मेरा बुजुर्ग भाई बड़ी संख्या में I'm not afraid of the dark.